बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां कानपुर में सीएम योगी के घाटमपुर आगमन की तैयारी पूरी हो गई है। आपको बता दें कि दोपहर 12:45 पर सीएम योगी घाटमपुर पहुंचेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपेंद्र पासवान, जिनके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ घाटमपुर पहुंचेंगे तकरीबन 1:15 और यहां पर जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट बटोरने की पूरी कोशिश की जाएगी। यूपी का उपचुनाव जो कि कई पार्टियों के लिए अहम और अहम इसलिए क्योंकि एक सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। हालांकि बता दें कि इससे पहले की बात करें तो इन सीटों में दबदबा बीजेपी का रहा है, लेकिन वो दबदबा कायम रहे इसको लेकर पूरी जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में खुद कई उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, जिन सीटों पर हो रहे हैं, वहां का रुख सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कर चुके हैं और आज इसी के मद्देनजर घाटमपुर पहुंचेंगे और वहां पर उनके आगमन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये मंच आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, व्यवस्था यहां पर पूरी है और अब बस इंतजार है तो सीएम योगी का। उपेंद्र पासवान है यहां से दरअसल आपको बता दें प्रत्याशी और इन्हीं के समर्थन में आज जनसभा की जाएगी, पार्टी को लेकर माहौल बनाया जाएगा, बीजेपी के प्रत्याशी को जनता ज्यादा से ज्यादा वोट दे, ये कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जनसभा के दौरान रहने वाली है। तो 1:15 पहुंचेंगे सीएम घाटमपुर में, जहां ये चुनावी जनसभा की जाएगी उनके जरिए। तो सीएम योगी जनसभा करेंगे और सरकार को लेकर जहां बातें रखी जाएंगी, तो वहीं अब तक इन 3.5 सालों में बीजेपी ने क्या क्या किया है, किस तरह से सभी वादे पूरे किए हैं, उनका बखान भी किया जाएगा। तो कई सीटें ऐसी जिसमें पहले से ही बीजेपी मजबूत है, उसका दबदबा वहां पर पहले से ही कायम है और ऐसे में उस दबदबे को बरकरार रखने के लिए सीएम योगी खुद घाटमपुर पहुंचेंगे और उपेंद्र पासवान जो कि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट देने की अपील जनता से की जाएगी।